Hi guys, हेलो गाइस, मैं हूँ शिवम और मेरा नाम है अनंत एंड दिस इज द मानसरोवर पॉडकास्ट। स्पेशल गेस्ट हैं, मैं और शिवम तो हमेशा की तरह हैं। हमारे साथ आज हैं अनघा वानखेड़े। अनघा, वेलकम टू द शो। आपका इंट्रोडक्शन आई थिंक आप खुद ही दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वही आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अनघा प्लीज़ वेलकम टू द शो एंड कैन वी हैव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट यू। थैंक यू अनंत। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनघा वानखेड़े, एज अनंत मेंशन्ड। मैं नागपुर से हूँ और हिंदी, इंग्लिश, मराठी, हर प्रकार का लिटरेचर, जितनी भाषाओं में मैं समझ पाती हूँ, मुझे पढ़ना और रीडिंग इट अलाउड मुझे बहुत पसंद है एंड आई एम एक्साइटेड टू बी हियर। वेलकम अनघा। आज फिर हम कौन सी स्टोरी पढ़ेंगे? विच स्टोरी हैव यू लाइक चूजन? क्योंकि हमने अनघा को बोला कि अनघा रीच आउट टू अस कि शी वांट्स टू बी इन इट, तो मैंने कहा कि आप चूज कीजिए कौन सी कहानी आप पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं? मनु भंडारी जी की यही सच है। यही सच है स्टोरी इज द सेम स्टोरी जिसके ऊपर वो पिक्चर रजनीगंधा बनी थी, अनंत आपने देखी होगी। तो रजनीगंधा की कहानी और बासु चटर्जी ने डायरेक्ट की थी और बहुत ही प्यारी फिल्म है। बहुत, हाँ, गाने उसके इतने बढ़िया गाने, अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा की फर्स्ट मूवी। तो एंड स्टोरी इज आल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, तो लेट्स सी हाउ दिस रीड्स आउट। सो अनघा, वुड यू लाइक टू स्टार्ट? ओके। यही सच है, मन्नू भंडारी, कानपुर। सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया था यहाँ खड़े खड़े और संजय का भी अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण में उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नजर से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यों ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर लेती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे क्यों समय दिया? फिर यह कोई आज की बात थोड़ी है। हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे दो घंटे देरी करके आता है और मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है? थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं? मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नज़र घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, वह आया, वह आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, पीछे आना, मैं रुखाई से जवाब देती हूँ। वह भाग जाती है। ये मिसेज मेहता भी एक ही हैं, यों तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तक मेरा सिर खाने भेज देती हैं। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती हैं। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती थी? खट खट खट, वही परिचित पद बनी। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो? रजनीगंधा की महक से जैसा सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर, रुखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ ठोड़ी उठाकर कहता, तुम ही बताओ क्या करता,
क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। अब सबको नाराज करके आना भी अच्छा नहीं लगता ना। इच्छा होती है कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं। पर कुछ नहीं कह पाती, एकटक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। कोई और समय होता तो मैं अपने आंचल से इन्हें पोंछ दिया होता, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही हैं, पर मैं क्या करूं? तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है, हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ दुलार दिखाएगा। वह जानता जो है कि इसके आगे मेरा क्रोध नहीं टिक पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद हैं, तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल ना रहे तो ना पढ़ने में मन लगता है ना सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे ईरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनने के लिए मैं सवेरे से आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में न जाने कैसे उसे ही भूल गई। सुनो, ईरा ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है। यदि तुम्हें वो जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए, दीपा मजा आ जाए। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें ये जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूं, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज की किचकिच से तो मेरा मन उब गया है। कितनी बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकड़ी पर जा बैठते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है। पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे, मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी एक ही मूर्ख हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है, क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है, फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं, वहां किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाके। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है, वहां ईरा को छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है, असहाय सी मैं कहती हूँ। और किसी को नहीं जानती? फिर मेरे चेहरे पर नजर गड़ाकर पूछता है, निशीत भी तो वही है। होगा, मुझे क्या करना है उससे? मैं एकदम भन्ना कर जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था वह यही बात करेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में कहता है, और मैं भवक पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं हजार बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझे मजाक मत किया करो, मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है।
वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झपट कर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? तो देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? और देख लेगा तो देख ले, आप ही कुड़ेगा। नहीं, हमें पसंद नहीं है ये बेशर्मी। और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं है, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो। पर है तो रास्ता ही, फिर कानपुर जैसी जगह। कमरे में लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं है। बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है। यह भी जैसे उसका रोज का नियम ही है। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश सी, खोई खोई सी। फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज़ पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती हैं। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजय की अनेकानेक आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, तुलरा रही हैं। और अपने को यूँ असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ। मैंने संजय को भी एक बार ये बात बताई थी तो वह खूब हंसा था, और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था कि मैं पागल हूँ, नीरी मूर्खा हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना ठीक ही हो, शायद मैं पागल ही हूँ। कानपुर, मैं जानती हूँ संजय का मन निशीत को लेकर जब तक सशंकित होता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊँ कि मैं निशीत से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? मेरा बचपन होता है महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है, और उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उन सबको भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो वह सब ऐसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशित को भूल गई। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। पर संजय है कि जब तक निशित की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्न सा हो उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरे कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरे अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करते रहती हूँ, या वह अपने ऑफिस की, मित्रों की बातें करता रहता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इसका यह मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है, सपनों की जगह हमारी वास्तविकता में जीते हैं, हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। पर संजय को कैसे समझाऊं यह सब, कैसे उसे समझाऊं कि निशित ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भत्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती, नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ, और सच पूछो तो अपने को भाग्यशाली नहीं समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई
जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। संजय, यह तो सोचो कि यदि ऐसी कोई बात भी होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूँ आत्मसमर्पण करती, तुम्हारे चुंबनों और आलिंगनों में अपने को यूँ बिखरने देती। जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसीलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशित का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। परसों मुझे कलकत्ता जाना है, बड़ा डर लग रहा है। कैसे क्या होगा? मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो? संजय को कह रही हूँ कि वह अभी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेले रहती हूँ, यूँ अकेले घूम फिर भी लेती हूँ तो संजय सोचता है मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं ये मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता। कलकत्ता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसे विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं ईरा को ढूंढती हूँ, वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कूली बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दे मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो ईरा खड़ी है। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, उफ, तुझे ना देखकर तो मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर भी कैसे पहुंचूंगी। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती हैं। ईरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित सी उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को देखती हूँ, उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ, बड़े बड़े जहाजों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकते रुकते चलती है। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है, और इस सब के बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कानपुर और कहाँ ये कलकत्ता? मैं तो आज तक भी बहुत बड़े शहर देखे नहीं कभी। सारी भीड़ को चीर कर हम राड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों हीरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक ही हो जाएगा, तू और डर, हम जैसे डरे तो कोई बात भी है? जिसने अपना सारा करियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू में डरे? फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाती है कभी उनके पास भी या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार ही गई थी, कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे, मैं मौन ही रहती हूँ। ईरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था, वे होते तो कुछ मदद ही कर देते। पर फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में शायद मैं अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को ईरा मुझे कॉफी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहां निश्चित दिखाई देता है। मैं सक पका कर नजर घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज पर आ ही पहुंचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। ईरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है।
मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? जवाब इरा देती है, मैं देख रही हूँ निशित पंख बदल गया है, उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। यह क्या शौक चल रहा है? उसका रंग स्याह पड़ गया है, वह दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। इरा को मुन्नू की चिंता सता रही थी और मैं स्वयं भी घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। कॉफी हाउस से धर्मतला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। इरा उससे बात कर रही है, मानो वह इरा का ही मित्र हो। इरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वायदा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशित का यूं मिलना, ना चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया है निशित, लगता है जैसे मन में कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं सह रहा है इसे? कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों ना हो, एक तृप्तियुक्त आनंद देने वाली क्यों ना हो, पर मैं जानती हूँ ये झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो यह सब किया था। एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। उफ़, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया? जब वह मेज़ के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं? ज़रा उसका खिसियाना तो देखती। मैं कल भी आएगा। मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, मैं उससे नफरत करती हूँ। अच्छा है, आए कल। मैं उसे बता दूंगी कि जल्द ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं उससे घृणा करती हूँ और उसे जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक निशित ने विवाह क्यों नहीं किया? करे ना करे, मुझे क्या? क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? हाँ, मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूँ? नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। इरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर यह तो 300 का जॉब है। निशित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है और वह कहता है कि जैसे भी होगा वह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों? कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास ना आए। 9:15 के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी ही दूर पर निशित टहल रहा था, वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा। तो वह समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 के पहले नहीं पहुंचता, समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं। उसे वो चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो आया। जब वह आया तो मैं चाहकर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, कैसे क्या करना होगा उसकी योजना भी बना डाली। बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस को सूचना भी दे दी कि वह आज ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती थी, नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं वह सुनकर यह दिलचस्पी लेना कम ना कर दे। उसके आध भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा,
हमारे वैवाहिक जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं, मैं उसे बैठने को कहती हूँ पर वह बैठता नहीं, बस खड़ा रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। एकाएक ही मुझे लगता है इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती हूँ और वह क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार के यूं ही चला जाता। अच्छा तो चलता हूँ। यंत्र चालित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं, वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वे फूल नहीं है तो बड़ा सूना सूना सा लगता है। पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कर रहे हो, 3 दिन हो गए किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया है, मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए वैसे नहीं दे पाई। पर निशित ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो चुका है। मैं जानती हूँ यह सब निशित की वजह से हुआ है। ढलते सूरज की धूप निशित के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशित इतनी देर बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वह प्रसन्न है, वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों, क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ, उसके पास। एक अजीब सी पुलक से मेरा तन मन सिहर उठता है, वह ऐसा क्यों चाहता है। उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए ऐसा कर रहा है। पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी या जो कुछ उसने किया है उसे भूल जाऊंगी। असंभव, मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं इरा की ओर देखती हूँ, वह प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है निशित को नीला रंग बहुत पसंद था, मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ, किसको रिझाने के लिए ऐसा हो रहा है, क्या यह नीरा पागलपन नहीं है। सीढ़ियों पर निशित हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियां सुर्ख हो जाती हैं। मैं चुपचाप ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। यह सदा चुप रहने वाला निशित बोला भी तो ऐसी बात है। मुझे ऐसी बातें सुनने की जरा भी आदत नहीं है। संजय न कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है न ऐसी बातें करता है जबकि उसका पूरा अधिकार है, और यह बिना अधिकार ऐसी बातें करे। पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक पुलक में सिहरन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल से मैं संजय के साथ रह रही हूँ। रोज ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक भी शब्द उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता, यह देखकर भी जैसे यह सब देख नहीं पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशित ने यह बात क्यों कही, उसे क्या अधिकार है, क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है। नहीं, जाने कैसी मजबूरी है, कैसी विवशता है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूँ। निश्चयात्मक दृढ़ता से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी।
स्काई रूम। निशित टैक्सी वाले को आदेश देता है। टन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निशित बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़ कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श ना हो। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में पड़कर फरफराता है। वह उसे हटाता नहीं। मुझे लगता है ये रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूँ। आज भी मैं संजय की बात नहीं कर पाती, चाहकर भी नहीं कर पाती। अपनी इस व्यवस्था पर मुझे खींच भी आती है, पर मेरा मुंह है कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकी। ये निश्चित कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूँ कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यो सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं, पर जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूँ कि जब निशित बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूँ। जितनी द्रुत गति से टैक्सी चल रही है मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी बही जा रही हूँ अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी से नीचे उतर पड़ती हूँ, मानो अंदर निश्चित मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी, इधर से उतरना चाहिए कभी, टैक्सी वाला कहता है। मुझे अपनी गलती का भान होता है। उधर निश्चित खड़ा है, इधर मैं, बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे ही देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता था। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसा सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नज़रों से ऐसे बचाकर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो और कोई मुझे पकड़ ना ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल में मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बैरा कोल्ड कॉफ़ी के गिलास और खाने का कुछ सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशित कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूँ। वह जल्दी से कॉफ़ी का स्ट्रॉ मुँह से लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, वह सोचता है मैं बेवकूफ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस समय वह क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी, पर आज अवश्य ही वह बात आएगी। ना आए यह कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलटकर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में नहीं है। जो संबंध टूट गए टूट गए, अब उन पर कौन बात करे। मैं तो कभी नहीं करूँगी, पर उसे तो करना चाहिए। तोड़ा उसने था, बात भी वही आरंभ करे, मैं क्यों करूँ और मुझे क्या पड़ी है। मैं तो जल्द ही संजय से विवाह करने वाली हूँ, क्यों नहीं मैं इसे अभी संजय की बात बता देती। पर जाने कैसे व्यवस्था है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुंह नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो मैं किसी आ जाती हूँ। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा है, पर यंत्र चालित ही मैं खा रही हूँ। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। फिर मुझे लगता है कि उसके होंठ फड़क रहे हैं और स्ट्रॉ पकड़े हुए उंगलियां कांप रही हैं। मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है। दीपा,
तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले तो क्या मैं कह सकूंगी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ घूम फिर क्या ली या कॉफी पी ली, तो यह मत समझ लो कि मैं तुम्हारे विश्वासघात की बात भूल गई हूँ। और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है, पर यह क्या असह्य अपमानजनक पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने तो पटना में गुजरी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर कर आते हैं, जब घंटों समीप बैठ मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे, बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी, जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में। मैं कुछ बोलना भी चाहती तो वह मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा। आज भी तो हम मौन ही हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं, क्या आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों में गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, पर कॉफी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय के न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निषिद्ध मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वही मौन, वही दूरी, पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निशित मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशित मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं ज़रा भी बुरा नहीं मानूंगी, ज़रा भी नहीं, पर वह कुछ भी नहीं करता। सोते समय रोज़ की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए सोना चाहती हूँ, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आखड़ा होता है। अपनी मजबूरी पर खींच खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी थी कि कुछ नहीं बता पाई। शाम को मुझे निश्चित अपने साथ लेक ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर के वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन में पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी, मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही थी, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं यह कह गई? कोई है जो मुझे कचोट डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी, मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है, वह बहुत अच्छा है, बहुत ही, वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा। पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला जाती हैं। मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती है और आगे के शब्द सुनने के लिए पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निश्चित कि आज भी तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो, जो कुछ हो गया है उसे भूल कर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निश्चित, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, ज़रा भी बुरा नहीं मानूंगी, मान ही कैसे सकती हूँ निश्चित? इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ,
शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के मितभाषी जो हूँ। फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ, पर तुम्हारी नज़र तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत मौन। आत्मीयता के एक क्षण अनकहे भले ही रह जाए, पर अनबूझे नहीं रह सकते। तुम चाहे ना कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे हुए संबंध को फिर से जोड़ने की बात ही तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत ना करनी पड़े। लगता है रात आधी से भी अधिक ढल गई है। कानपुर। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी निशित की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया था कि तुम स्टेशन मत आना। ईरा आई थी पर गाड़ी पर बिठाकर ही चली गई, या कहूँ कि मैंने ज़बरदस्ती ही उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशित आएगा, और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेली ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशित आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि मैं उसकी प्रतीक्षा में यहाँ बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है। वह बहुत थका हुआ लग रहा है, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहाँ आ पहुँचा। मन करता है कुछ ऐसा करूँ जिससे यह सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूँ। हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई? वह अंदर झांकता हुआ पूछता है। हाँ। पानी वानी तो है? है। बिस्तर फैला लिया? मैं खींच पड़ती हूँ। वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा है। वह क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर देता? आज भीड़ विशेष नहीं है, चारों ओर नजर डालकर वह कहता है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नजर मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खींच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नजरें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो, और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफॉर्म पर। जाकर पहुंचने की खबर देना, जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा तुम्हें सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आंखें छलछला आती हैं। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मन करता है चिल्ला पड़ूं, मैं सब समझ गई निशित, सब समझ गई। जो तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वह तुम इस क्षणिक स्पर्श से कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ नहीं कह पाती, बस साथ चलते निशित को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी के गति पकड़ते ही वह भी हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है।
मेरी छलछलाई आंखें मूंद जाती हैं। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियां धुंधली सी दिखाई देती हैं। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशित के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल सा प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियां दिखाई देती हैं। धीरे धीरे वे सब दूर हो जाती हैं, पीछे छूट जाती हैं। मुझे लगता है यह दैत्याकार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उससे क्या कहूँगी? इतने दिनों तक तो उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी, कहूंगी, संजय जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ता में निशित से मिलकर मुझे हुआ। याद आता है, तुम निशित को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते, मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल में मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था, पर आज भ्रम के छलना के सारे ही जाल भिन्न भिन्न हो गए हैं। मैं आज भी निशित को प्यार करती हूँ, और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूँ? आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ स्पष्ट हो गया, और जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया तो तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूँ तो भी झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया जब मैं अपने पिता और निशित को खोकर चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहल स्पर्श से मुझे जिला दिया। मेरा मुरझाया मरा मन हरा हो उठा। मैं कृतकृत्य हो गई और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहाँ शब्द चूक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुंबनों के बीच भी, एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की सुध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ निशित के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की, तुम पूरक थे। मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेंगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भुलाने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती रही जो मैं संजय से कहूंगी। कह सकूंगी ये सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करती रहूं? छी, नहीं जानती यही सब सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई। लौटकर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए हैं। कुछ फूल झड़कर जमीन पर इधर उधर भी बिखरे हैं। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है, संजय की लिखाई है। खोला तो एक छोटा सा पत्र था। दीपा, तुमने जो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी, मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूं।
पांच छह दिन में लौट आऊंगा, तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूं कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबा निश्वास निकल जाता है, लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तो मैं अपने को अच्छी तरह तैयार कर लूंगी। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशित को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति से जो हिचक मेरे होठ बंद किए हुए थे, दूर रहकर वह अपने आप ही टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं सब समझ गई हूँ। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी उस हरकत से बहुत दुखी थी, बहुत नाराज भी, पर उसे देखते ही जैसा सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक कैसे पता। लौटी हूँ तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों के आगे छा गई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नज़र सोने फूलदान पर पड़ जाती है। मैं करवट बदल कर सो जाती हूँ। कानपुर। आज निशित को पत्र लिखे पांचवा दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी दोनों डाके निकल गई। जाने कैसा सूना सूना अनमना अनमना सा लगता रहा सारा दिन। किसी भी तो काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से ही उसने उत्तर दे दिया। समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी होती हूँ। एकाएक ख्याल आता है, पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ या मैं निशित के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर निरुद्देश सी मैं कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में काटा नहीं जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यही बैठी रही तो दम घुट ही जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले आती हूँ। शाम का धुंधलका मन के बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ? लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी निरुद्देश सी चलती जाती हूँ, पर आखिर कब तक यूँ भटकती रहूँ? हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। ईरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निशित भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मन में आता है, क्या जो कुछ मैं सोच गई वह नीरा भ्रम ही था, मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान? नहीं नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं, जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों को कैसे भ्रम मान लूं, जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के वे अनकहे क्षण। तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए हैं? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ। यह संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे यह घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। फहराते ये हरे पर्दे, यह हरी बुक रैक, यह टेबल, यह फूलदान, सभी तो संजय के ही लाए हुए हैं। मेज पर रखा यह पेन भी उसने मुझे सालगिरह पर लाकर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेट कर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सोनापन मेरे मन के सोनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी।
उस जल की ओर देखते हुए निशित की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखे पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ ना कह पाने की मजबूरी, उसकी व्यवस्था, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार होती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरी हाथ की उंगलियों को बालों में उलझाए निशित बैठा है। वही मजबूरी, वही व्यवस्था, वही घुटन लिए। वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। उफ, लगता है उसके घुटन मेरा दम घोट कर रख देगी। मैं एकाएक ही आंख खोल देती हूँ। वही फूलदान, पर्दे, मेज, घड़ी। आखिर आज निशित का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई ये जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही इराजी को फोन करके सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया था कि तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें ये काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर शुभेच्छु, निशी। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है? क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वह? दीप। मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। एक क्षण में संज्ञा शून्य सी उसे इसी तरह देखती रहती हूँ, मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौट आती है और विक्षिप्त सी दौड़ कर उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तो कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास ही आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है, कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था। और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। कहानी कितनी प्यारी थी यार, वाह। बहुत ही ज़्यादा प्यारी कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी। यस, फिल्म वर्सेस द कहानी, क्या कहें। आपने रिसेंटली देखी थी? मुझे तो टाइम हो गया देखी। मेरे को थोड़ा टाइम हो गया। मैंने आई थिंक पिछले 2-3 साल में एक बार कभी देखी है दोबारा, लेकिन अब मेरे को कहानी सुन के मन कर रहा है कि फिर से देखूं, तो सोच रहा हूँ। मुझे भी देखने का मन हो रहा है। मैं आज देखूंगा। जैसे वो गाना याद आ गया, जब वो बैठे होते हैं निशित और वो टैक्सी में बैठे हुए हैं, वो कोने में बैठा हुआ है, उसकी साड़ी उड़ रही है और गाना चल रहा है, कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा देखा है, मन ढूंढने लगता है। बिल्कुल एकदम सिचुएशन पे लिखा है गाना, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक द फिल्म वॉज अ वेरी गुड अडेप्टेशन, लाइक जितना कर सकते थे और जितना दिखा सकते थे। It was very well done. बाकी हाँ, कुछ चीजें तो कहानी को adapt But when the story is mainly
narrator talking to himself, like मन की बात है पूरी. Right. Like right, outward right. dialogues are like so few. So yeah. to adapt that feeling is really very hard. What do you think about the story, Anaga? What appealed to me in the story was that ये लिखी गई होगी करीब 50 साल पहले, शायद उससे भी ज़्यादा पहले, और 70 हाँ 66 में लिखी गई है exact 66 जी okay. जी yeah. तो उस समय या जैसे हम जनरली देखते हैं साहित्य में जो नायक नायिकाएं होती हैं वो काफ़ी वाइट और ब्लैक होते हैं, जो अफकोर्स जो ब्लैक होते हैं वो तो खलनायक होते हैं. तो नायिका खास करके उस समय की जो नायिकाएं थी वो काफ़ी सात्विक, बिल्कुल नो उनके मन में अक्सर कोई दुविधा नहीं रहती थी, किसी प्रकार का असमंजस नहीं रहता, तो उन्हें पता होता था कि एथिकली मॉरली या मॉरल कंपस जिसका हुए जी बिल्कुल, तो वैसी दुविधा नहीं देखने को मिलती थी. उसकी वजह से ऐसा भी होता था कि वैसी नायिकाएं रिलेटेबल नहीं होती हमारे लिए, क्योंकि ये जो यहाँ दीपा की दुविधा जिस तरह की है, जिस सिचुएशन में वो खुद को पाती हैं, वो उससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं, गुजरते रहते हैं, किसी ना किसी तरीके से हमारा अतीत उसे हमें फेस करते रहना पड़ता है, कई बार उसके साथ रहना पड़ता है, और इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मूव ऑन एट टाइम्स. कभी कभी हम सोचते हैं कि हम उसे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, पर फिर वो दोबारा हमारे पास वो चीज़ें आती जाती हैं. और साहित्य की नायिकाएं जो यूजुअली होती हैं, वो क्या होता है कि उन्हें, क्योंकि उनका फोकस काफ़ी क्लियर होता है, तो उन्हें पता होता है कि नहीं, वो सब पीछे रह चुका है, अभी मैं किसी एक व्यक्ति के प्रति समर्पित हूँ, या अभी मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है, तो मैंने उसके बारे में सोचना भी नहीं है. तो ये जो ग्रे एरियाज हैं जिस विच दिस स्टोरी रिवेल्स इन, दिस इज समथिंग आई ट्रूली इन्जॉय, क्योंकि वो उसे रिलेटेबल बनाती हैं. और खास करके ये बात कि 60-70 साल पहले ऑलमोस्ट एक लेखिका ने इन चीज़ों को, इस दुविधा का इस प्रकार से चित्रण किया है, काफ़ी हिम्मत वाली बात होती है, क्योंकि अभी भी ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो इमोशंस हैं, ये हम कई बार व्यक्त करने में शर्माते हैं, या हमें लगता है कि ये गलत है या अनैतिक है इस प्रकार से नो ऐसे डायलेमा में रहना, उसे व्यक्त कर पाना उस, और उसके इसके बावजूद उन्होंने ना निशित को ना संजय को किसी एक को भी किसी एक रंग में पेंट नहीं किया है. कोई भी पूरी तरह बुरा या अच्छा नहीं है. हमें कोई कारण नहीं दिया गया जिसके लिए हम निशित से सच में नफरत कर सकें, या संजय को समझ सके कि चलो यू नो दैट डीपा इज सेटलिंग फॉर हिम, कि चलो बस ये मेरी रियलिटी है तो चलो मैंने इसको मान लेना है. ऐसी कहीं कोई बात नहीं है. शायद हम निशित या संजय के दृष्टिकोण से ये अगर स्टोरी देखें तो हमें कुछ और पता चले. तो इज़ आर वेरी रियल पीपल, वेरी रिलेटेबल पीपल, एंड विच इज़ वाई द स्टोरी इज़ वेरी अपीलिंग टू मी. फिल्म के बारे में मुझे यही बात अच्छी लगी. मैं इसमें वैसे आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है जो दर्शक हैं, ये नई कहानी का एक उदाहरण है जो कि 50 और 60 के दशक में काफ़ी प्रचलित थी. मनु भंडारी उनकी पायनियर थी. शी वॉज द वन जो कि बहुत, जिन्होंने नई कहानी को प्रचलन दिया और किया. नई कहानी बेसिकली इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे नए एलिमेंट्स थे. एक जो क्लासिक कहानी होती थी इसमें एक हीरो होता था और यू नो एक टास्क होता था और हीरोज़ जर्नी होती थी, वैसा नहीं होता था इसमें, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, स्वतंत्रता मिली 47 में, और उसके बाद 60 और 50 और 60 और 70 के दशक में इतना चेंज देखा हिंदुस्तान ने. यू नो औरतें काम करने लगी, विमेन जॉइंड द वर्क फोर्स, और उसी के साथ उनकी स्टोरी भी बदली, उनकी कहानियाँ बदली, उनको इंडिपेंडेंस मिली. और उसी के चलते ये कहानी है जिसमें एक मॉडर्न वुमेन उस समय की, उसकी डिलेमा के बारे में बात किया गया कि यू नो शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमेन, उसकी नौकरी लगी है, वो शहर बदल के जा रही है, लाइक अकेले रहती है. ये बहुत बड़ी चीज थी उस समय, और इसीलिए ये नए प्रकार बॉयफ्रेंड्स हैं. उसका बॉयफ्रेंड था, मतलब टू हैव यू नो somebody in their life, it's a big deal. और वो 60 के दशक में जब ये कहानी लिखी गई तब ये बहुत आई थिंक इसीलिए नई कहानी थी, और क्योंकि ये सब पहले नहीं होता था. तो ये कहानी भी नई थी, इसके कैरेक्टर्स भी नए थे, सिचुएशंस भी बहुत ज़्यादा नई थी, और फॉर्मेट ऑल्सो आई थिंक इट्स लाइक अ डायरी एंट्री फॉर्मेट इन अ मोनोलॉग चल रहा है. राइट. आई रियली लाइक, जब पहली बार मैंने पढ़ी थी तब भी मैं
मतलब मूवी पहले देखी थी, उसके बाद स्टोरी पढ़ी मैंने जब। मैंने पहली बार सुनी है, पढ़ी है। मैंने ये कहानी नहीं पढ़ी है। मैं जब पढ़ी थी, मतलब इट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट हिंदी स्टोरी दैट इम्पैक्टेड मी सो मच, लाइक कितनी इम्पैक्टफुल थी ये कहानी। लाइक अभी भी वापस जब अभी अनघा जब पढ़ रही थी तो मैं स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो रहा था, फिर एकदम से इट लाइक टुक मी इनसाइड, मैं एकदम सीन में पहुंच गया। सारे सीन लाइक आई जस्ट वांटेड टू लाइक विजुलाइज हो रहा था इतने प्यार से, बिकॉज शी इज़ पिन पॉइंटेड सिचुएशंस एंड डिलेमा उनका हर बात में कि ये सच है कि ये सच है, ऐसा बोलूँ या ना बोलूँ। और ये हम लाइक इट्स रिलेटेबल, आई डोंट नो कि बिकॉज ऑब्वियसली इट्स रिटन बाय अ वुमन, इट्स अबाउट अ वुमन एंड पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वेरी रिलेटेबल इन सम सेंसेस टू लाइक मी आल्सो, आई हैव गॉन थ्रू दिस। दैट इज बेसिकली माय नेक्स्ट पॉइंट आल्सो, लाइक यू नो हाउ ये की कहानी कितनी अलग होती है अगर इसे कोई आदमी लिखता, yeah. और क्या वो लिख भी पाता इस तरीके से, शायद कहानी अलग होती और सिचुएशन अलग होती, इस लेवल पे नहीं हो पाता। लाइक इनफैक्ट अब लास्ट में जो था यू नो व्हेन जब वो घर आ गई तो उसे निशित भी याद आ रहा है और उसे संजय की बातें भी याद आ रही है एक साथ, एंड उसमें बालकनी पे खड़ी है वो। हाँ, यू डोंट फील, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये गलत कर रही है या ये सही है, जैसा अनघा ने बोला। आपको बस उसकी डिलेमा समझ में आती है कि हाँ असमंजस क्या है, कैसी है। मैं इस स्टोरी को कंट्रास्ट कर पाती हूँ कभी कभी गुनाहों के देवता से, मतलब इस सेंस में कि वहां पर आपके जो दोनों कैरेक्टर्स दे आर वेरी वाइट, दे आर वेरी सात्विक सो टू स्पीक, उनके हाँ काफी क्लियर। सुधा और चंद्र एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो और किसी की कल्पना नहीं कर सकते, एंड इफ वी कैन गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, इट एंड्स अप टेकिंग लाइव्स, क्योंकि आप उतने समर्पित होते हैं किसी के प्रति। और वो कहानी बहुत सुंदर लगती है पढ़ने में, बहुत ज्यादा इंटेंस है, पर आप जानते हैं कि वास्तविकता में वैसा बहुत कम होता है, या आपके और भी एंटैंगलमेंट्स होते हैं, आपकी और भी जिम्मेदारियां होती है, दैट इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस। That is more of a classical trope, not yeah. This is more practical, relatable, real. It's so real. That's the point, basically. And I love ki Rajnigandha ka jo metaphor hai, starting se leke end tak jo carry over hota hai ki jab wo ghar aati hai, Rajnigandha murjha gaya. Us time pe uske man mein bhi Sanjay ke liye pyar murjha chuka hai. When she's there, tab usko puri tarah Nishit is the one. Main tayar ho jaungi, main letter likhungi. And Nishit just needs to work on his communication, I think. Nishit is like the ekdam brooding sort. I have like abhi tak hame pata nahi chala ki usne kyun they never talk about ki why the breakup happened. He just had some issues and he was like nahi mujhe nahi karna aisa kuch hua, lekin uske baad bhi he is like ghuta ghuta sa rehta hai, kuch daadi badha li hai, so we never get to understand ki Nishit ke andar bhi bahut dilemma hai for sure. Kitna wo kam bolta hai, That means उसके अंदर मैं मोनोलॉग चल ही रहा है पूरे टाइम, तो नहीं I would like to know a story of it was a jerk to start with, like even college में भी जो उसका बर्ताव था, but 18 साल की उम्र में you are supposed to be sort of jerk. मुझे ये लगता है कि it is kept ambiguous on purpose, क्योंकि आप इसे दीपा के नजरिए से देख रहे हैं, तो जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है कि किसी इंसान ने किस प्रकार आपके साथ बर्ताव किया, आपको उसका पूरा जस्टिफिकेशन या क्लोजर जो कि हम कहते हैं आपको मिल नहीं पाता, हो सकता है निशित हैड हिज रीजंस, वी विल नेवर फाइंड आउट, इट इज दैट एम्बिग्युइटी दैट यू नीड टू नो लर्न टू बी कंफर्टेबल विद इवेंचुअली, दैट इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। आई थिंक देयर इज अ पोटेंशियल फॉर अ कंपेनियन पीस ऑफ दिस from निशित's पर्सपेक्टिव द होल स्टोरी व्हाट ही डज एंड Who says that story ends here? उसके आगे क्या हुआ? Can't tell because right now शेष फिर पे छोड़ देता है निशित, and she has the job. Does she go for the job? We don't know. क्योंकि संजय को वो बताती भी नहीं वो बात, so story ends in such a point like lunchbox जैसे खत्म हो गई थी ना कि अब जाना है कि नहीं जाना है, तो it's at that point of her ending. Like it's ending at her dilemma का end हुआ है कि like she's realized कि she likes संजय more, but उस क्षण में उस टाइम पे यही सच है, शी टॉक्स अबाउट दैट ट्वाइस, जब एक बार निशित उसका हाथ पकड़ता है और एट द एंड, सो आई थिंक दैट्स वेयर शी जस्ट चोज टू एंड इट, शी कुड हैव गॉन ऑन। मुझे लगता है संजय और निशित का जो कैरेक्टराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा
कंट्रास्ट करके दिखा दिया है, लाइक हाँ वो तो है, संजय इज वेरी सेफ, लाइक यू नो घर आता है वो, टाइम लेट हो जाता है, टाइम छोटी छोटी चीजें नोटिस नहीं करता, निशित इज लाइक वो छोटी छोटी बातों पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नो लाइक ही इज अनसेफ, ही इज यू नो इज नॉट कन्वेंशनल, संजय इज सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्टेबल, या संजय इज कन्वेंशनल, बट निशित इस निशित में वो डेंजर वाली बात है, वो ही क्रिएटिव आर्टिस्टिक, मे बी ही इज एन आर्टिस्ट सॉर्ट ऑफ, मे बी ही इज आल्सो अ पोएट ऑन द साइड, दाढ़ी तो वही कुछ तो हुआ है उसकी लाइफ में, बट आई रियली रियली लव हाउ शी गोज ऑन इन हर ओन माइंड, एंड सफर करते वक्त हमेशा हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं, पूरी लाइफ की हिस्ट्री हम, लाइक मेरे साथ तो होता है कि मैं कहीं बस में हूँ, ट्रेन में हूँ, उस टाइम पे मैं पूरी लाइफ के सारे डिसीजन एक साथ, जैसे दिस होल जर्नी में मैं अपनी पूरी लाइफ की चीज़ें सब मैं सॉर्ट कर लूँगा, मैं सारी चीज़ें गो ओवर करूँगा, उसके बाद मैं देख लूँगा मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, फिर उसके बाद अब ऐसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, आई थिंक आई शुड कॉल दिस पर्सन, आई शुड ये मैसेज कर देना चाहिए मुझे, इसको ऐसा बोल देना चाहिए, एंड ये सफ़र में बहुत ज़्यादा लाइक होता है इम्पैक्टफुल, आई थिंक इट जस्ट हैपन्स समथिंग अबाउट जर्नीज लाइक दैट. मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे नींद आती है बहुत बढ़िया नींद आती है, मतलब सफर जितनी अच्छी थी मेरे को कहीं नहीं आती, तो बेसिकली मुझे याद है कि मैं जब ऑफिस जाया करता था पुणे में, तो कई बार तो इतनी अच्छी नींद आती थी, 40 मिनट का सफर होता था, मैं ऐसा धुत होकर सोता था, कई बार तो मेरा मन करता था कि भाई 150 रुपये ले ले, एक चक्कर और लगा ले यहाँ तक, 10-15 मिनट और सोने दे. नहीं, लॉन्ग जर्नीज आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक ट्रेन जर्नीज, जो कि अब तो पता नहीं कब से नहीं, लॉन्ग जर्नीज में भी मतलब नागपुर टू देहरादून जब मैं आया करता था, तो नागपुर टू दिल्ली 16 घंटे का सफर होता था, 14 घंटा सोता था मैं उसमें से, लोग आके चेक करने लग जाते थे, हाँ भाई सब सही है, ना खाने के लिए उठ रहा है, ना पीने के लिए उठ रहा है, क्या चल रहा है. Any other insights, Anagha? That's quite it from my end. मैं कुछ तो नोट किया था, how she, maybe there is something about the touch, like I realized कि संजय was more touchy feely and she was like कि जब वो मेरे गालों को सहलाते हुए कहता था और इस तरह की बात, एंड व्हेन द होल पार्ट विद निशित, दैट्स द ओनली टाइम ही टचेस हर, जब उसके हाथ पे हाथ रखता है और वो, एंड शी इज़ लाइक वांटिंग दैट टू हैपन, जब वो टैक्सी में बैठे कि मेरे बगल में है बैठा है, मेरे कमर को लपेट ले, मैं उसको बिल्कुल झूठ कुछ नहीं बोलूँगी, क्यों नहीं कर लेता वो, मेरे कंधे पर हाथ रख ले, क्यों नहीं कर लेता, एंड एट द एंड ऑल्सो जब वो उसको लाइक they're hugging and he's kissing on her forehead or something. So, I don't know what that says about the power of touch over the power of words. Because Nishit doesn't say anything, but from his touch, he gets all the things in his touch. Which we never know if Nishit meant it that way or not, or what was it. Maybe it is overthinking on her part, Deepa's part, what that touch. That's what I feel as well, that Deepa, दीपा अपना गिल्ट, अपनी सारी रेसिड्यूअल फीलिंग्स या जितनी सारी चीज़ें वापस आती है, वो दरअसल निशित पर प्रोजेक्ट कर रही है, क्योंकि हम सारा कुछ जो देख रहे हैं उसके पीओवी से देख रहे हैं, है ना, तो निशित शायद ही इज प्रॉब्ली ओवर एवरीथिंग, ही इज मूव्ड ऑन, ही इज यू नो जस्ट बीइंग देयर, क्योंकि चलो नौकरी के लिए मदद करनी है, सिटी में आई है उसे मदद करनी है, ही इज जस्ट गोइंग अबाउट हिज बिजनेस एज यूजुअल, ये सारी चीज़ें दीपा उस पर प्रोजेक्ट कर रही है ऐसा मुझे लगता है, इस वजह से द टच इट यू नो It keeps changing meanings for her. शुरुआत में she is very uncomfortable with it. जब संजय की बारी आती है, जब संजय के साथ वो होती है. निशित के साथ, even when there is the absence of it, you know, हम जिस electricity की बात करते हैं, वो उसको काफी अच्छे तरीके से describe करती है. हाँ, it is there. Because it is something that has, you know, blown over from all these years of, you know, thinking about it. She says she has moved on, but she hasn't. That is quite clear. तो वो होता है, उसके चलते वो निशित के साथ she feels comfortable doing it, or you know, she feels comfortable with proximity of that sort. और जब
दोबारा यहाँ कानपुर वापस आकर जब वो फीलिंग्स एटलीस्ट टेम्परेरीली रिजॉल्व हो गई हैं, तो आई गेस वो तब संजय के साथ भी उस प्रॉक्सिमिटी को लेकर कंफर्टेबल महसूस करती हैं। I'm just wondering if it's just she just wants someone to hold her. That's Deepak who was right, but then that is who loves her also, of course. Yeah. I was wondering how मतलब ये कहानी कितनी डिफरेंट होती है अगर ये आज लिखी जाती। आई एम 100% श्योर दैट यू नो शी वुड हैव चोजन निशित बिकॉज दैट इज व्हाट इज एम्पावरिंग राइट नाउ। मुझे लगता है कि आई थिंक कि आज के ज़माने की अगर औरत होती तो वो लाइक पहले उसके पास जाती बिकॉज यू नो शी इज लाइक द बेटर ऑप्शन निशित। नहीं बट द मुद्दा ये है ना कि निशित इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल बिकॉज Nishit to dey nahi raha. There doesn't seem to be an engagement on his part, huh? Yeah. He's just giving like Deepa's coach rahi hai. She mujhe acha lag. Nahi he's trying to be like I am all cool about this. Like kuch hua hoga past mein koi nahi. Tumhari ho acha hai. Shesh phir. Matlab so he's very still like maybe I think he's ya to bahut guilty hai wo apne actions ko lekar somewhere that he's not even but She writes the letter to him, right? और वो उस letter में शायद उसने सब कुछ बता दिया है ना जब वो last में letter लिखती है। So at that point अगर he doesn't respond, that means he's not, I don't know what he's waiting for. क्यों नहीं लिख दिया उसने? वही तो वो सोचती है अब क्यों नहीं लिखा? कब लिखेगा? शेष फिर। तुम तो एकदम typical मर्द की तरह बात कर रहे हो। तुम्हें निश्चित में ज़्यादा interest है। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया मुझे इंटरेस्ट नहीं है मैं बोल रहा हूँ ही इज नॉट अ कैंडिडेट बिकॉज ही इज नॉट इवन लाइक उसने पूरा लेटर लिख दिया उसको जाके एंड शी इज प्रोबेबली वो हमें बताया नहीं ना लेटर में क्या है वैसे बट यही है कि उसने सब कुछ बता दिया कि मुझे अभी भी तुमसे प्यार है और मैं रहना चाहती हूँ और वो सब जॉब भी मिल गया है उसके बाद भी हिज लेटर इज वेरी स्टेराइल डिवॉइड ऑफ फीलिंग्स बाय सो आई थिंक निशित मे बी हैज अ साइड कुछ है उसका या तो कुछ और या फिर व्हाटएवर ही इज जस्ट नॉट इनटू इट आई थिंक इसका पूरा का पूरा प्रोजेक्शन ही था जस्ट लाइक अनघा सेड ना वो प्रोजेक्ट कर रही थी पूरी फीलिंग्स गलती से उसने हाथ पे हाथ रख दिया उसको वो भी और ज्यादा सच लग गया और वो सब हो गया उसने बहुत सोच लिया लेटर लिख दिया जाके ऐसा हो जाता है कई बार यू मिसअंडरस्टैंड समवनस एक्शंस लाइक दैट जैसे मेरे साथ हुआ है मैंने किया है मुझे किसी के साथ फ्रेंडली सी बातें हो रही थी मुझे लगा कि यार ये तो बहुत दिमाग में फीलिंग्स चल रही थी मैंने सोच लिया उस टच का मतलब ये था या इस चीज का इस मैसेज का मतलब ये था आजकल के जमाने में इस रिएक्शन का मतलब इस इमोजी का मतलब इस ट्वीट का मतलब योर माइंड इज ऑलवेज ट्राइंग टू ओवर थिंक वेर एवर यू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन एंड वैसा कंफर्मेशन बायस है वो आपका या Yeah. आप चाहते हैं you कि want it. वो सच हो ये जस्ट लुकिंग फॉर साइंस कि जो yeah. आपके कंफर्मेशन बायस को सही साबित कर सके एनीवे आई थिंक ग्रेट स्टोरी एंड देयर इज आल्सो अ लेसन समवेयर अबाउट वैल्यूइंग व्हाट यू हैव वर्सेस व्हाट यू डोंट हैव सॉर्ट ऑफ उसका भी एक वो है कि लाइक संजय को एकदम से वो जब वो निशित का ख्याल आता तब संजय को कितना कि संजय भ्रम था मेरी लाइफ में मैंने डैड चले गए थे निशित चला गया था तो यू आर जस्ट अ फिलर तुम्हें मेरे जैसी बहुत दीपाएं मिल जाएंगी इस तरह की सोच व्हेन यू नो एंड शी रियलाइजेस दैट एज सून एज ही कम्स बैक कि नो ही इज नॉट दैट गाय ही बट यू कैन थिंक ऑफ दैट वन पर्सन लाइक दैट व्हेन यू हैव इट व्हेन यू हैव संजय लाइक संजय है लाइफ में तो वो वैल्यू नहीं कर रही है तो थोड़े टाइम के लिए बिकॉज डिस्ट्रैक्शन आ गया सच अ ब्यूटिफुली लाइक ऑनेस्ट रिएक्शन दैट I think it's very real because you know this also happens in relationships everywhere ki aap ek person ko taken for granted le hi lete hain you know this is because he's there like Sanjay is a nice fellow is there all the time you know he's just chilling apna relax kar raha hai apna to ye to hai hi apna there's something exciting that comes by Nishit is unachievable he's like brooding he's contained ज्यादा बता नहीं रहा है तो इट्स जस्ट दैट क्लोजर नहीं मिला है पहले तो इट्स जस्ट दैट कि ये चाहिए टाइप एंड व्हेन शी कम्स बैक एंड रियलाइजेस कि उसके घर का पर्दा बुकशेल्फ सब कुछ संजय का लाया हुआ है तब उसको आई थिंक शी हैज फॉरगॉटन फॉर अ बिट शी फॉरगेट्स ना कि संजय क्या है उसकी लाइफ में एंड देन वो
फूलदान दिखती है जिसमें रजनीगंधा नहीं है. यप द आई थिंक दैट्स वो बहुत ब्यूटीफुल मेटाफर फिर से आता है. वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ओवरऑल आई थिंक. एंड इन्हीं के हस्बैंड की स्टोरी भी पढ़ी हमने थोड़े दिन पहले, छोटे छोटे ताजमहल. नाउ इफ यू कॉन्ट्रास्ट दैट विद दिस, व्हाट अ लाइक दैट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ब्रेकअप ऑफ अ रिलेशनशिप इन दैट सेंस. दैट वॉज मोर ऑफ अ मैंस इनर मोनोलॉग राइट, हमने जो पढ़ी थी. एंड राजेंद्र यादव एंड मनु भंडारी और मैरिड मैन, उनकी दोनों की कहानियां इतनी सही है. काफी विल रीड मोर ऑफ देम. रिलेशनशिप रहा होगा मेरे ख्याल से. आई थिंक दे वर नॉट लिविंग टुगेदर बाय द एंड, ऐसा कुछ तो. आई थिंक दे सेपरेटेड. मेक सेंस. या बोथ ऑफ देम वर सो लाइक हार्डकोर अमेजिंग राइटर, इंटेंस राइटर्स. इंटेंस थे. आई एम गोना वॉच द मूवी very soon. I think aajkal main dekhunga the thing. I would like to read the story that you mentioned by Rajendra Yadav. Ye padhna padega. Are wo podcast pe hai. Humne padhi abhi. Oh sorry. Last week. Okay okay. Chote chote Taj Mahal. It's very beautiful. Like usme it's a different part. It's a male perspective. Actually pata hai kya? Now that I think of it. निशित सॉर्ट ऑफ पर्सन है वो जो, एंड बिकॉज उसको एक उसकी गर्लफ्रेंड मिलने आती है ताजमहल में, मिल रहे हैं वो आगरा में. एंड देयर ही इज थिंकिंग हाउ ही डज नॉट लाइक ताजमहल एंड ऑल दैट, एंड बहुत कम बातें होती हैं. बट इट इज सॉर्ट ऑफ द एंड ऑफ देयर एंगेजमेंट, एंड देन इट टेक्स हिम बैक टू अनदर स्टोरी इन हिज पास्ट. तो बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड है एंड सॉर्ट ऑफ सैड है. इट्स नॉट एज दिस यही सच है. दिस वेरी मच स्टिल वेरी यंग एंड वेरी फ्रेश एंड वेरी रिलेटिवली चीयरफुल. या या रिलेटिवली वेरी चीयरफुल. इट्स नॉट दैट मॉर्बिड. हाँ वो दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ मॉर्बिड. या बट फन फन पर्सपेक्टिव. हाँ ठीक है, तो आई थिंक आज खत्म करते हैं. अनघा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आपने इतनी सुंदर तरीके से पढ़ी और यू नो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव a woman reciting a woman's story. हम लोग नहीं कर सकते, मतलब ना ही हमारे पास perspective है. neither we should. हम करना भी नहीं चाहिए हमें, और इसलिए हम थोड़ा दूर रहते हैं. और problem यही है कि हम ऐसी stories कर ही नहीं पाते हैं इसलिए. So thank you so much for doing this. Really appreciated. It was so well recited. And also your perspectives and insights, जो कि आई थिंक हम दोनों में से किसी के पास नहीं है. सो अगर आप ये सुन रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं, आई थिंक 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट हो चुका है. अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और अगर आप भी कहानी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं तो डिस्कस करना चाहते हैं, इफ यू थिंक यू हैव इनसाइट्स जस्ट गेट इन टच विद अस. वी आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू फाइंड. And we'll get you on the podcast and हम देखते हैं बात करके क्या निकलता है, क्या निकलता है, कुछ खूबसूरत निकलेगा जैसे ये निकला. Yep. So thank you, Aga, once more. Thank you, Anand. Thank you, Shivam. It's been a wonderful experience. Thank you. मजा आया. All right. Bye bye.